हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी किस प्रकार से होती है इस बारे में। नॉर्मली प्रेगनेंसी कैसे होती है, महिला और पुरुष के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो कि शरीर में, महिला के शरीर में अंडे और पुरुष के शरीर में शुक्राणु को जन्म देते हैं। महिला के अंदर एक बच्चेदानी होती है जो ट्यूबों से जुड़ी होती है और वो अंततः अंडाशय से जुड़े होते हैं। अंडाशय वो जगह है जहाँ पर अंडे की उत्पत्ति होती है। एक महिला के पीरियड में, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, पीरियड के दूसरे दिन अंडे की उत्पत्ति होनी शुरू होती है, जो पीरियड के बीचों बीच, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीचों बीच, यानी 14वें दिन ये अंडा पक्के फूट जाता है। कोई एक अंडा ही नॉर्मली बनता है, बढ़ता है और पक्के फूट जाता है। फूटने के बाद वो अंडा ट्यूबों में चला जाता है और वहाँ पर ही 24 से 48 घंटे तक वेट करता है ताकि स्पर्म्स उसको फर्टिलाइज कर सके। इस बीच में यदि हस्बैंड और वाइफ के बीच में इंटरकोर्स होता है तो हस्बैंड के शरीर से जो शुक्राणु होते हैं वो महिला की योनि में प्रवेश करते हैं। वहाँ से छोटे छोटे स्पर्म्स जो होते हैं वो बच्चेदानी के मुंह यानी सर्विक्स के थ्रू एंट्री करते हैं यूट्रस के अंदर यानी बच्चेदानी के अंदर, और वहाँ से होते हुए वो ट्यूबों में पहुँच जाते हैं और सबसे कॉम्पिटेंट जो स्पर्म होता है वो अंडे को फर्टिलाइज कर देता है। और फर्टिलाइज होने के बाद एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है जिसे एम्ब्रियो यानी भ्रूण की उत्पत्ति कहा जाता है। 4 से 5 दिन तक ये भ्रूण ट्यूबों में ही बढ़ता है, उसके बाद ये बच्चेदानी की परत में आके वहाँ चिपक जाता है और फिर अगले 9 महीने तक वहीं ग्रो करता है और उसके बाद डिलीवरी होती है जिसे हम सब जानते हैं। तो इस प्रोसेस, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है जो कि अगर नेचुरली हो जाए तो हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, परंतु यदि किसी को भी निसंतानता होती है यानी प्रेगनेंसी होने में समस्या आती है तो हम इन सभी चीज़ों की अलग अलग तरीके से जांचें करते हैं। धन्यवाद।